शराब कारोबारी समूह से 100 करोड़ मिलना बहस का मुद्दा। सिसोदिया की जमानत याचिका पर अदालत की टिप्पणी। पीठ ने कहा है कि कानून के शासन का अर्थ कानूनी सरकार समेत सभी नागरिकों और संस्थाओं पर समान रूप से लागू होते हैं। कानून के शासन के लिए हसीये पर पड़े लोगों के लिए न्याय तक पहुँचने के समान अधिकार की आवश्यकता है। सिसोदिया की अर्जी खारिज करते हुए पीठ ने कई पहलुओं पर गौर किया। दिल्ली अबकारी नीति घोटाले में फंसे दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। मामले की सुनवाई कर शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा है, सीबीआई और ईडी का आरोप है कि शराब समूह में 100 करोड़ रुपए प्राप्त हुए और उसका इस्तेमाल सिसोदिया के सहयोगियों और आपके अन्य नेताओं ने किया, यह कुछ हद तक बहस का विषय है। साथ ही आरोप यह था कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत में 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव के हवाले के जरिए आम आदमी पार्टी के हस्तांतरित किए गए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया है कि आप पर मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है, लिहाजा कोर्ट ने कहा है कि आरोप नहीं लगाया जा सकता। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 की धारा 70 के तहत सिसोदिया परोक्ष रूप से उत्तरदायी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि गोवा चुनाव के लिए आपको 45 करोड़ रुपए के ट्रांसफर में सिसोदिया की संलिप्तता के संबंध में कोई विशेष आरोप नहीं है। पीठ ने कहा है कि सीबीआई ने बताया कि साजिश और उसमें सिसोदिया की संलिप्तता पूरी तरह से स्थापित होती है। पीठ ने कहा है, स्पष्टता के लिए बिना कोई जोड़ घटाव या विस्तृत विश्लेषण किए हम आरोपकर्ता के खिलाफ सीबीआई के आरोप पत्र में कही गई बातों को दोहराते हैं। नमस्कार, मैं हूं अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।